इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, मैं हूं तरुण कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। यूपी के गोरखपुर में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए एसएसबी और थाना प्रभारी द्वारा किया गया फ्लैग मार्च। उपनगर सहित आसपास के क्षेत्रों के कई गांवों में सभी लोगों को दिलाया गया सुरक्षा का पूरा भरोसा। चित्रकूट के पहाड़ी ब्लॉक के लोहदा से 64 देवी मंदिर तक सड़क में हुए गड्ढों से कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। चित्रकूट के पहाड़ी थाना के अंतर्गत मंदाकिनी नदी में बालू माफियाओं के द्वारा किया जा रहा धड़ल्ले से लाल सोने का अवैध खनन। यूपी में बहा गांव झाड़े की घड़ी में दहेज के लोभी पति और ससुराल वाले महिला को दहेज के लिए कर रहे प्रताड़ित, विरोध करने पर जमकर की मारपीट। शाहजहांपुर ब्लॉक के बावलखेड़ा मिश्रीपुर गांव ग्रामवासी कर रहे पिछले 12 वर्षों से जल भराव समेत कई प्रकार की समस्याओं का सामना, नहीं कर रहा कोई सुनवाई। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के बीरसिंहपुर वाली क्षेत्र के पाली प्रोजेक्ट में 4 से 5 महीने के नवजात का मिला शव, कुत्तों ने मांस का टुकड़ा समझकर कचरे से रोड तक घसीट कर लाए। बूथ विस्तारक योजना के संबंध में भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई पत्रकार वार्ता संपन्न। बेनीबारी गांव में मंगलवार की आधी रात को अचानक अज्ञात कारणों से लगी आग। आग में चाय पान और जूते की 4 दुकानें जलकर हुई पूरी तरह खाक। गरीबों के लिए फरिश्ता बनकर आई वंशिका कंस्ट्रक्शन, ठंड से ठिठुरा तो जिले में वंशिका ने दिखाई दरिया दिली, गरीबों को बांटे कंबल। शहडोल के थाना गोहपारू क्षेत्र में बस से टकराकर बाइक में लग गया, बाइक सवार की मौके पर ही मौत। बड़वानी जिले के सेंधवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक ग्यारसी लाल रावत द्वारा एक सभा में वनवासियों को धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपनाने हेतु प्रेरित करने के विरोध में पान सेमन विकासखंड के अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। शिवनी में जिला आबकारी अधिकारी जितेंद्र सिंह गुर्जर की विदेशी मदिरा दुकान लखान डोन चट्टी के अवैध शराब मामले में हुई डील, आर्थिक लाभ को लेकर जांच के नाम पर की जा रही खानापूर्ति। राजस्थान के चौमू में नगर पालिका के खिलाफ पानी की समस्या को लेकर महिलाओं का फूटा गुस्सा, विधायक रामलला शर्मा द्वारा लगाए गए 36 करोड़ और नगर पालिका चेयरमैन द्वारा लगाए करोड़ों रुपए के बावजूद चौमू की पानी की समस्या का नहीं हुआ कोई भी समाधान। फटाफट खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।